देखते हैं ओनोमोटापिया। ओनोमोटापिया क्या होता है? देखिए ओनोमोटापिया, अगला फिगर ऑफ स्पीच। ओनोमोटापिया इज अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट मींस, मतलब जो है ना उसकी तरह वो साउंड हो, उसे ओनोमोटापिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मधुमक्खी है, भिन 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 कर रही है, समझ में आ गया कि ये मधुमक्खी है। सोचिए आवाज से आपको पहचानना है कि आवाज से वो क्या है, ठीक है। अब कोई ब्लास्ट हुआ तो हम समझ गए कि वो बम है, ये तो उससे ही होता है। कोई साउंड आया तो समझ में आ गया कि भाई टायर ब्लास्ट हुआ है। तो साउंड से आप जो पहचान लेते हैं ना उसको हम लोग ओनोमोटापिया कहते हैं। कभी कभी आप कॉमिक बुक्स पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, तो अक्सर उसमें साउंड शो किया जाता है इस तरह से, क्रैश। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई क्रैश दिखाया जाता है, तो साउंड से पहचान गया कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। अब जैसे बूम, तो बूम से हमको पहचान में आ गया कि क्या है। ये देखिए पाओ, तो इसका मतलब क्या है, ये पता चल गया क्या है। ये भी देखिए नॉक, ऐसे हमको पता चल गया दरवाजे पर कोई है, आवाज से पता चलता हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि वेन अ कैरेक्टर इज ब्लैक एक्सपर्टेड दे माइट एक्सलेंट सिस, होता है ना, ये साउंड से आप पहचान लेते हैं कि कौन। तो जब भी कोई सेंटेंस आप पढ़ें, कोई कॉपिक्स पढ़ें, कोई बुक्स पढ़ें, तो बुक्स पढ़ते समय ना अगर कोई साउंड आ जाए और साउंड से अगर आप पहचान लेते हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साउंड से पता चल जाता है कि आखिर कौन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओनोमोटापिया। घर में अक्सर होता है ना कि ऐसे पैर से चलते हैं तो पता चल जाता है कि पिताजी आ रहे हैं, नहीं ये मम्मी का आवाज़ है। तो आवाज़ से आप जो पहचान लेना कि एक्चुअली वो क्या है, तो उसको ये हम लोग क्या बोलते हैं, ओनोमोटापिया। टर्र टर्र चिल्ला रहा है तो इससे क्या पता चल रहा है कि मेढक ही है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता, तो इससे पहचान लिया आपने ये ओनोमोटापिया है। तो यही सभी कभी कभी ना हम लोग ऐसे यूज करते हैं, तो यूज करने से हम लोग क्या करते हैं, इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज करके उस स्टेटमेंट को, सेंटेंस को, उस कहानी को, उस कविता को ज़्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना देते हैं हम, ठीक है।